मेरे हिसाब से क्या सामने सामने मुझे लगता है तीन लोगों को फिनाले में होना चाहिए, प्रियंका, शिव और एमसी स्टैन, शालीन अर्चना भी है। मुझे लगता है एमसी स्टैन का तो मालूम नहीं, मुझे लगता है एमसी स्टैन को 40 लाख का बैग लेके भाग जाना चाहिए। ये तीनों ही विनर है मेरे लिए। आप होते तो क्या करते? अरे मैं तो कभी नहीं जीतती हूँ बिग बॉस, मेरे लिए बिग बॉस सिर्फ पेटी रेडी करते हैं। पता नहीं, मुझे बुलाया तो नहीं, शायद मेरे ऐसे हालात है तो। आपको ब्रिटिश के बिग बॉस में जाना चाहिए, यूके में तो शिल्पा शेट्टी जीत के आए थे ना वहाँ पर। मेरे तो रियल जिंदगी का बिग बॉस चल रहा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना मेरी कहानी। नहीं नहीं, आपको हम बोल रहे हैं आपको यूके वाले बिग बॉस में जाना चाहिए, बिग ब्रदर जो है ना वहाँ पर शो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना चाहिए। हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सब हो गया, काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन जो मेरे दिल पे जख्म है, जो निशान है मेरे हस्बैंड के, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँ, बेइंतहा। बहुत आसान होता है ब्रेकअप हो जाता है बुलाना, मेरे लिए मेरा ब्रेकअप हो गया है। शायद वो जेल से आने के बाद हम एक दूसरे को डाइवोर्स भी दे दे, बट मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया, इन फ्यूचर तुम किसी और लड़की के साथ शादी करो तो उसके साथ ना करो, क्योंकि आदिल एक साइको केस है, वो अपने आप को मारता है गाड़ी में बैठ के, अगर उसकी कोई नहीं सुनता, सर पे मारता है, खुद को चोट पहुंचाता है, खुद का हाथ तोड़ता है और वीडियो बनाता है कि मुझे मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मारा। ये गलत है आदिल, सुधर जाओ। थैंक यू।